लेंगे। आपको ये जो इतनी आवाज आ रही है ना हमारे घर के पीछे, हमारे घर के इस दीवार के पीछे घर बन रहा है उसकी इतनी आवाज है जो सुबह के 9:30 बजे से हम सुन रहे हैं। और यहाँ पे मेरे को ये कपड़े भी करना हैगा, फोल्ड करके रखना हैगा। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ गए हैंगे मेरे 2 किलो भुट्टे और उसमें आ गया हैगा मिट्ठू का जाम। मेरे मिट्ठू को जाम बहुत पसंद है। और यहाँ पे आ गए हैंगे 2 किलो आम जिसमें से मैं बनाऊंगी आम रस और पूड़ी। और यहाँ पे आ गए हैंगे अभी सीजन का पहला आम आया है हमारे यहाँ पे। और भुट्टे भी है ना बहुत दिनों बाद आए हैं, मैं माइक्रो ओवन में और इसको सेकूंगी और है ना इसको है ना पानी में कुकर में उबालूंगी, भी बहुत टेस्टी लगते हैंगे। तो दोनों ही मैं बनाऊंगी क्योंकि तो यहाँ पे मैं आम को खोल के और धो के रख दूंगी, काफ़ी अच्छे हैंगे। यहाँ मैंने आम धो के क्लीन कर लिए हैंगे, मैं आम को काटने जाऊंगी। मैंने यहाँ पे काटने को छील लिए हैंगे और प्लीज़ नेवर माइंड पीछे से बहुत आवाज़ हो रही है। और यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैंगे, अब मैं मिक्सर में डाल के इसका जूस बनाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और अब इसका जूस बना रही हूँ। आवाज़ इतनी हो रही है, मैं जितना सोच रही हूँ ना आए आवाज़, फिर भी बहुत आवाज़ आ रही हैगी। प्लीज़ फ्रेंड्स आप माइंड मत करना, बहुत आवाज़ हो रही है। और यहाँ मेरा आम रस रेडी हैगा और आपको भी जिनको भी आम रस और पूड़ी बहुत पसंद है आइए हमारे साथ आम रस पूड़ी और मटर पनीर की सब्ज़ी और चटनी के साथ आइए आनंद लीजिए खाने का। और यहाँ पे देखिए मेरी पूड़ी बन रही हैगी, मैं एक एक दो दो ही पूड़ी निकालती हूँ क्योंकि वो फिर ज़्यादा लाल हो जाती हैगी जब जल्दी नहीं होती है। तो मैं फुल वीडियो खाने का दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ी, यहाँ पे मैंने इतनी बना ली है पूड़ी। और इतनी भयानक गर्मी हो रही हैगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हैगी। और बच्चों को खानी हैगी पूड़ी तो मैंने लगा कि चलो बनाती हूँ मैं पूड़ी। ये फ्रेंड्स मेरी गर्मा गर्म पूड़ी बन रही है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है ना। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ पूड़ी, चाय को खानी है पूड़ी। और आज उसका आखिरी एग्ज़ाम है, तो आज से पेपर उसके ख़त्म हो गए, बस अब रिजल्ट का थोड़ा सा है टेंशन, बाकी की इस तो ठीक है, भगवान के ऊपर छोड़ रखा है का भगवान अच्छा रिजल्ट आए। अब भगवान जी तो बोलेंगे कि पढ़ाई अच्छी करो, रिजल्ट तो अपने आप ही अच्छा आएगा। और तो बस यही हैगा। और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और पंखा इसलिए नहीं ऑन कर रखा हैगा क्योंकि वो आँचें ना इसकी उड़ रही है, तो मैंने ना कि चलो ऐसी बन जाएगी जल्दी जल्दी। और गर्मी का तो बहुत, क्योंकि मैं क्या रोटी है ना तो थोड़ी थोड़ी बनाती रहती हूँ ना, तो है ना पता नहीं चलता कि गर्म गर्म रोटी बनाई, जब भी आए तो बनाई। हाँ पूरी तो मैं एक साथ ही बना के रख रही हूँ कि मतलब ये खाते जाएंगे और मैं देती जाऊंगी बना बना के, और इसीलिए गर्मी में तेल में से आँच उड़ती है ना। तो ये देखिए ये हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है कि और मैं यहाँ पे इतनी गर्मी में देखो पसीने पसीने हो रही है, ऐसे अभी पसीना ऐसा पी रहा था। और यहाँ पे साई आ गया है स्कूल से और देखो सो रहा हैगा, मोबाइल चलाते चलाते सो गया हैगा। हमारा माफिया बच्चा छोया है, ये मम्मा प्यार करो बच्चे को। है मिठू 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 बेटे। फ्रेंड्स तो बन गई, मैंने बना के आ गई, इतनी गर्मी इतना पसीना, बाप रे आज तो खाना बनाने में हालत ख़राब हो गई क्योंकि गर्मी आज लगा है भाई कि गर्मी पड़ रही है, क्योंकि किचन में इतनी देर खड़े होना पड़ा ना तो पता चल जाता है कि किचन में इतनी देर एक साथ लगातार खड़े रहो तो लगता है भाई गर्मी है। और साई है अभी ये थोड़ा आराम कर ले, फिर साई खाना खाएगा। और अभी मेरे को लगा क्या है यहाँ पे ना, क्या होता है का कि ये ना पास में कुछ जलाते हैं ना तो ना उसका ना छोटे छोटे से, ये देखिए छोटे छोटे ना कचरे उड़ उड़ के आते हैं यहाँ पे, वो पूरा आंगन है ना मतलब कि झाड़ू और पोछा हो जाता है, उसके बावजूद भी फिर इतना गंदा हो जाता है कि उसको क्लीन करना पड़ता है रेगुलर सुबह शाम, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है का कचरा।
और यहाँ पे मेरे कपड़े घड़ी करना है मुझे, तो मैं कपड़े घड़ी कर लेती हूँ यहाँ पे। ये कौन खाएगा? फ्रिज में रखे आपको, ठंडी हो जाएगी। यहाँ पे मैं इस टेप से कपड़ों को खड़ी करके रख देती हूँ, जिसका है उसकी अलमारी में लगाने के लिए। मैंने यहाँ पे भुट्टे को बॉईल कर लिया हैगा, और साई और मेरे लिए लेके जा रही होंगी, मुझे बहुत पसंद है भुट्टे, तो मैंने 3 भुट्टे बॉईल करे, और बाकी के भुट्टे मैं माइक्रो ओवन में सेकूंगी, क्योंकि बहुत यमी मेरे को बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ भुट्टा, आपको भी पसंद है, आइए खाइए मेरे साथ। तो मिलते हैं थोड़ी देर से, वो खाना है भुट्टा। खा ले माफिया, खाओ खाओ, देखो इसको भुट्टा पसंद है, माफिया खा रही है भुट्टा। कितने हाथ से पकड़ के कितने आराम से खा रही है माफिया भुट्टा। वैसे ही हमारी वाईफाई की लाइट नहीं है, और वहाँ पे माफिया बिस्किट खा रही है, और बहुत भूख हो रही है, और मस्ती कर रही है कि खेल रही है कि माफिया, तो यहाँ पे माफिया बहुत मस्ती कर रही है, खेलती है वो सबके साथ ही। और आज लाइट नहीं है ना, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा हैगा, क्योंकि मूवी वगैरह मतलब कि देखते रहते हैंगे तो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैंगे। और अभी मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, साई माफिया को सब लोग खिला रहे हैंगे कि माफिया, दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे बाहर का, देखा ना कितना अच्छा लग रहा हैगा। आज गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, आज धूप इतनी कड़क है, तेज हैगी, अभी 3:30 बज रहा हैगा, और धूप बहुत ज़्यादा तेज है आज। आज नहीं बोलूँगी मैं सुहाना मौसम है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, लाइट भी बार बार आ रही जा रही है, लाइट तो परेशान कर देती, गर्मी में इतनी बार जाती है आती है कि हद है। यहाँ पे मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी, हामरस पूड़ी और राइस, ये सब रेडी है। बच्चों ने बोला कि मम्मी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई थी, तो आज भी बनाओ, तो फिर मैंने आज भी बनाई सब्ज़ी, और मैं ये लेके जा रही हूँ रितेश के लिए खाना। तो रितेश जब तक का मुँह हाथ धोता है, तब तक मैंने खाने की थाली लगा। यहीं पर मैं अपना वीडियो कम्प्लीट करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।